कब हुआ था, कितने दिन किए थे आपने, मतलब सोने की चिड़िया मिशन 1 जून को शुरू हुआ था, कितने दिन में ये हुआ आपके साथ? 10 तारीख के अंदर हो गया मैम। 10 दिन के अंदर हुआ। और आपका स्क्रीनशॉट आपने लिया था बैंक बैलेंस का? हाँ लिया था मैम, तब कितना था बैंक बैलेंस जब आपने और स्क्रीनशॉट लिया? SBI में था 4 4 हजार समथिंग, उसके बाद अभी कितना है बैंक बैलेंस? अब तो 2 लाख ही है फिलहाल। 2 लाख है। नमस्ते भारतीयों और नमस्ते फ्रॉम भारतीय अंजना रितोरिया। सो यस, मैं भारतीय हूँ लेकिन ये न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ आप सबसे, और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1 जून को जो हमारा मिशन शुरू हुआ था, सोने की चिड़िया, भारत बनेगा सोने की चिड़िया, एक बार फिर उसके एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए हैं। जब 1 जून को ये मिशन शुरू हुआ था, आप सबको बताना चाहती हूँ कि कई सपने ब्रह्मांड के होते हैं, जिस तरह से हमारे सपने होते हैं उसी तरह से ब्रह्मांड के सपने भी होते हैं, और ब्रह्मांड हम ही में से किसी ना किसी को चुनता है उसके सपने पूरे करवाने के लिए। और मुझे चुना गया इस बात के लिए कि मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ कि भारत फिर से एक बार बनेगा सोने की चिड़िया। 1 जून को जब ये मिशन शुरू हुआ था, मुझे नहीं पता था ये कहाँ तक जाएगा, बट उस हमारी जो ब्रीफ मीटिंग हुई थी उसमें संतोष जी जो USA हैं, उन्होंने बोला था कि मैम ये वायरस की तरह फैलना चाहिए ये मिशन, ये इमोशन। और 14 जून को भूपेंद्र सिंह राठौर जी के चैनल पे हमारे इस मिशन के बारे में कम से कम 50,000 लोग देख रहे थे। वायरस की तरह फैलने में वक्त नहीं लगेगा। एक बात बताना चाहती हूँ कि जब कोरोना वायरस फैला था वो तो एक वायरस था, है ना, उसको फिर भी वक्त लगा होगा। भावनाओं को फैलने में वक्त नहीं लगता। भारत बनेगा सोने की चिड़िया एक बार फिर, ये हर भारतवासी की भावना है, और भावना बहने में, भावना इस तरह से बहेगी पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां भारतीय हैं, कि वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि वायरस मैनिफेस्ट हो या नहीं हो, भावनाएं जो होती हैं हमारी वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फीलिंग इज द सीक्रेट। सो अगर हमारे और हमारे हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में ये भावना भी आ गई कि भारत एक बार फिर बनेगा सोने की चिड़िया, फीलिंग इज द सीक्रेट, वक्त नहीं लगेगा। सो 1 जून को जब ये मिशन शुरू हुआ था, उसके थोड़े ही दिन बाद आई थिंक मेरी दूसरी मीटिंग हुई थी। उसमें सब लोगों से मैंने पूछा कैसा लग रहा है। 14 डेज में मैंने 365 डेज का प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था कि 365 दिन में, 6 महीने में मैं बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ या स्टेडी दिखा दूंगी, जिसका भी माइनस में होगा बैंक बैलेंस। क्योंकि भारत को अगर समृद्ध बनाना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो पहले हर घर का समृद्ध होना बहुत जरूरी है, हर घर में पैसा होना बहुत जरूरी है, हर घर में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। वो जब होगा तब जाके वो रिफ्लेक्ट होगा वर्ल्ड मैप पे, भारत दिख रहा है सोने की चिड़िया के रूप में। 1 जून की मीटिंग के बाद जब हमारी सेकेंड मीटिंग हुई थी, उसमें काफी सारी सक्सेस स्टोरीज आई। 1 जून को मैंने सबको कहा था कि स्क्रीनशॉट लेके रखना, क्या है इस वक्त आपका बैंक बैलेंस, और नवंबर में जब हमारी सेकंड मीटिंग होगी तब हम देखेंगे सबके बैंक बैलेंस। क्योंकि मैं जानती हूं कि मुझे पैसा बढ़ाना आता है, मुझे बैंक बैलेंस बढ़ाना आता है, मुझे वेल्थ कोड पता है, मुझे अधिकार दिया है ब्रह्मांड ने करोड़ों की बातें लिखने का, करोड़ों की बातें करने का। इसका मतलब ब्रह्मांड जानता है कि मुझे पता है पैसा कैसे बढ़ता है, तभी तो इतना बड़ा मिशन दिया गया, भारत बनेगा सोने की चिड़िया एक बार फिर। अभी जब हमारी मीटिंग हुई थी, काफी सारी सक्सेस स्टोरीज आई है। दीपान्विता की सक्सेस स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह से जब उन्होंने ज्वाइन किया था भारत सोने की चिड़िया मिशन, उस वक्त उनके आई थिंक 4,000 रुपीज बैंक बैलेंस था। आज उनका बैंक बैलेंस क्या है वो आप दीपान्विता से ही सुन लीजिए। ना 10 बजे कॉल किया कि आपके अकाउंट में 1 लाख आ गया। फिर मैंने मैसेज चेक किया, देखा कि अभी
और सासू माँ ने 1 लाख का चेक दिया तो 2 लाख। ये सासू माँ को क्यों प्यार आ गया आप पे? पता नहीं वाह, यार। तो ये कब हुआ था, कितने दिन किए थे आपने? मतलब सोने की चिड़िया मिशन 1 जून को शुरू हुआ था, कितने दिन में ये हुआ आपके साथ? 10 तारीख के अंदर हो गया मैम। 10 दिन के अंदर हुआ। और आपका स्क्रीनशॉट आपने लिया था बैंक बैलेंस का? हाँ लिया था मैम। तब कितना था बैंक बैलेंस जब आपने एसबीआई स्क्रीनशॉट लिया? में था 4 4 हजार समथिंग। उसके बाद अभी कितना है बैंक बैलेंस? अब तो 2 लाख ही है 2 लाख फिलहाल। है। हमने तो 6 महीने में बढ़ाने का बोला था बैंक बैलेंस, तो ये थैंक यू 10 दिन मैम, क्यों बढ़ थैंक गया? यू सो मच मैम। ठीक है, आपने क्या किया इन 10 दिनों में, क्या किया? व्हाट वाज योर माइंड सेट तो एंड व्हाट आप वाज योर तो फोकस? पिछले साल से फॉलो कर रही हो, करोड़ की बातें सब कुछ एलोए, लेकिन जब होता था तब करती थी, फिर ना कंसिस्टेंसी नहीं होता था, लेकिन ये मिशन में ज्वाइन करने के बाद कंसिस्टेंस लाई हूँ मैं मैम। कुछ भी हो जाए ये करना है बस, इसलिए। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर से टेलीग्राम ग्रुप शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 100 पीपल। फर्स्ट टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ ही 130 लोग लगभग। जब तक करोड़ों लोग करोड़पति नहीं बन जाएंगे, तब तक भारत कैसे बनेगा सोने की चिड़िया। सो ये मेरा अकेले का मिशन नहीं है, बिकॉज मैं अकेली कितनी भी समृद्ध हो जाऊं, आप सब जानते हैं मैं समृद्ध हो रही हूं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। अकेले समृद्ध होने से भारत कभी नहीं बन पाएगा सोने की चिड़िया। भारत तभी बनेगा सोने की चिड़िया जब हर घर समृद्ध होगा। सो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि करें या नहीं करें, आपको मैं बताना चाहती हूँ, 13,000 रुपीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का है। अगर 13,000 रुपीज को आप डिवाइड कर दें 365 डेज से, योर इन्वेस्टमेंट इज 36 रुपीज ऑलमोस्ट। 36 रुपए अगर एक दिन का आप खर्च कर रहे हैं, और उसके उसके बदले में या उसके रिटर्न्स में, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स में अगर सुकून है घर में, समृद्ध हो गए, अगर आप बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस अगर बढ़ नहीं रहा है तो कम से कम कम नहीं हो रहा है, स्टडी जा रहा है, इस तरह के इंप्रूवमेंट जब आपको दिखेंगे तब आपका भरोसा होगा कि यस पॉसिबल है। तब आपका जो लिमिटेड बिलीफ है कि पैसा कमाना बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरी किस्मत में नहीं है, ये सारे बिलीफ सिस्टम आपके चेंज हो जाएंगे 1 साल में। और 1 साल लगता है गाइस, 1 साल लगता है, 1 साल 2 साल, मुझे 4 साल हो गए हैं, तब जाके मैं जिस पोजीशन पे पहुंची हूँ कि जब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े खर्चे कर पाती हूँ। सो इट्स नॉट अ ओवरनाइट जर्नी कि आज हमने कुछ किया और कल हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस वर्ल्ड। आपको पहले तो लॉन्ग जर्नी ही लेनी पड़ेगी, लौटते समय आपको शॉर्टकट पता पड़ सकता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। एक दिन में फैसले नहीं होते जिंदगी के, ऊपर वाला भी देखता है आप उसके काबिल हैं कि नहीं। मैं 2 साल से $40 मिलियन पे फोकस कर रही हूँ, लेकिन ऊपर वाला पहले मुझे उसके काबिल बनाना चाहता है कि मुझे उसको उस पैसे को संभालना आ जाए, फिर वो मुझे दे देगा। और मैं सीख रही हूँ, क्योंकि कभी इतना सारा पैसा नहीं देखा था मैंने 10 साल की जिंदगी में जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया। अब मैं देख पा रही हूँ तो कितना विजडम है मुझे उस पैसे का सही इस्तेमाल करने में, क्योंकि गलत हाथों में अगर ज्यादा पैसा आ गया तो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो ऊपर वाला ज्यादा पैसा तभी देगा जब आपको वो उसके काबिल समझेगा, जब आपको उसका पात्र समझेगा। तो पहले तो आपको अपना जो पात्र है उसे इतना क्लीन करके उस लायक बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ऊपर वाला आपको दे सके। और उस पात्र बनने के लिए इट्स अ जर्नी। रात भर में हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, सालों की गलत प्रोग्रामिंग हुई है हमारे ब्रेन में, जिसको चेंज करने में वक्त लगता है। धैर्य की जर्नी है, धैर्य से कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मेरा 10 साल का धैर्य आज मुझे फल दे रहा है। धैर्य का फल, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और मैं बहुत खुश हूं जिस तरह की जर्नी मैं जी पा रही हूं। सो गाइस, टेलीग्राम ग्रुप सेकेंड फिर शुरू हो रहा है, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा। एक दिन मैं चाहती हूँ हजारों लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सके, और इस भावना को ऐसा फैला दें ब्रह्मांड में, इस थॉट को इतना फैला दें ब्रह्मांड में कि भारत बन ही जाएगा सोने की चिड़िया। रिजल्ट्स दिख रहे हैं मुझे,
कईयों की जिंदगी में दिख रहे हैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कई सक्सेस स्टोरी आती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यस इज पॉसिबल। सो गाइज देर मत कीजिए, सेकेंड टेलीग्राम ग्रुप फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, उसके बाद 15 अगस्त को हम बहुत कुछ करने वाले हैं जिसमें आप सब शामिल हो पाएंगे जो भी इस भारत सोने की चिड़िया मिशन के हिस्सा है। और मिलती हूं मैं आपसे बहुत जल्दी, क्योंकि ये भावना वायरस की तरह ही फैलेगी हर भारतीय के दिल में, दिमाग में, बिकॉज इतना तो हमारा जिम्मेदारी है कि जिस भारत में हम पैदा हुए हैं और हम जानते हैं कि हमारा भारत बहुत पावरफुल है, तो क्यों ना पूरे वर्ल्ड को पता रखने दीजिए कि भारत बहुत पावरफुल है। सो यस अफर्म भारत सोने की चिड़िया। थैंक यू, आई लव यू गाइस।